तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है अमीर और गरीब की बात। तो ये कहानी सीतापुर गांव की है, जहां मनोहर अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में गरीबी में जीवन गुजार रहा था। वहीं राकेश उसका पड़ोसी अमीरी में महल जैसे घर में अपने जीवन का आनंद ले रहा था। दोनों परिवार के बच्चे आपस में दोस्त थे, क्योंकि वो सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर एक दिन गांव में आंधी तूफान आ रहा होता है और फिर भैया चलो जल्दी घर चलते हैं, बारिश आने वाली है। हाँ अंजू, हम चलते हैं। अंजू और राजू, अभी तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कितनी अच्छी हवा चल रही है, चलो हम लोग खेलते हैं, कितना मजा आ रहा है। जब बारिश होगी तब हम लोग चलेंगे, हमारे पास ऐसे भी छाता तो है ही, बारिश होगी तब हम लोग अपना अपना छाता लेकर घर चले जाएंगे। बच्चों के कहने पर अंजू और राजू खेलना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक खूब तेज बारिश शुरू हो जाती है, बच्चे अपना अपना छाता लेकर घर जाने लगते हैं। अंजू और राजू भी अपना छाता खोलते हैं। सभी बच्चे हंसने लगे क्योंकि उनका छाता टूटा हुआ था। अंजू और राजू भागकर अपने घर जाते हैं। उन दोनों की आंखों में आंसू। क्या बात है राजू, आप लोग क्यों दुखी हो? माँ, हमारा छाता टूटा हुआ है, हमारे सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ा रहे थे, सभी बच्चे हम पर हंस रहे थे। आप लोग दुखी ना हो बेटा, पापा को सैलरी मिलेगी तो मैं आप लोगों के लिए छाता मंगवा दूंगी। चलो आप लोग जल्दी से हाथ धो लो, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अंजू और राजू खाना खाने लगते हैं। तभी राजू कहता है, माँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, माँ आप पापा से कह दो कि हमारे लिए दो छतरी ला दे। दो क्यों बेटा, आप दोनों एक ही छतरी में आना जाना कर सकते हैं। हाँ माँ, हम लोग के लिए एक ही छतरी काफी है, पर आप एक और छतरी हमारे छत के लिए भी मंगवाओ। माधवी ये सुनकर हंसने लगती है। देखो ना माँ, हमारे ऊपर पानी गिर रहा है, हमारी छत में छेद हो गया है हमारी छतरी की तरह। माधवी ये सुनते ही घबरा जाती है, वो सोच में पड़ जाती है। बेटा आप लोग अपना खाना मेरे पास आकर खा लो और भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश कुछ देर के लिए थम जाए, ताकि मैं छत पर तिरपाल डाल सकूं। गुजरते समय के साथ बारिश तेज होने लगती है और माधवी और उसके बच्चे परेशान होने लगते हैं। वो सभी अपने घर से पानी फेंकने लगते हैं, क्योंकि उनका घर पानी से भरने लगा था। मनोहर घर आ जाता है, अपने घर का ये हाल देखकर वो भी बहुत दुखी हो जाता है। ये क्या हो गया माधवी? क्या बोलूं जी, हमारी छत थोड़ी टूटी हुई थी, इस तेज बारिश में हमारी छत कमजोर पड़ गई है, सोचा था जब अगली सैलरी मिलेगी तब ये काम करवा लेंगे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, भगवान करे ये बारिश थोड़ी थम जाए, बहुत देर से बारिश हो रही है। हाँ माधवी, बारिश तो बहुत देर से हो रही है और बहुत तेज भी हो रही है, तुम मुझे तिरपाल दे दो, मैं अभी डाल कर आता हूँ। पर इतनी रात में आप कैसे करेंगे, सुबह का इंतजार कर लेते हैं, बच्चों को राकेश जी के घर पहुँचा देता हूँ, ये बारिश रुकने वाली नहीं है, बच्चे रात कैसे गुजारेंगे। तभी मनोहर अपने बच्चों को लेकर राकेश के घर जाता है। अरे मनोहर, इतनी रात तुम यहाँ? राकेश जी आपकी सहायता चाहिए, आप कृपया रात भर के लिए हमारे बच्चों को अपने घर में सोने दे दें, हमारे घर में पानी भर गया है, बच्चे रात भर परेशान हो जाएंगे, ये बीमार भी पड़ सकते हैं, आप कृपया हमारी मदद करें। अरे हमारा घर कोई होटल है क्या, जो चाहे जब चाहे अपना मुंह उठाकर आ जाए? देखो तो इन बच्चों को, पूरा भीगे हुए हैं, हमारा घर भी भीग जाएगा। भाभी जी रात भर की बात है, आप प्लीज हमारी मदद करें, इसके बदले आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं, हमारे बच्चे हमारी जान हैं। गरीब कहीं के, खाने के पैसे तो है नहीं, पर बच्चे जरूर पैदा करेंगे। अरे पहले अपना घर तो पक्का बनवाते, जेब में चवन्नी नहीं पर सपने लाखों के, बच्चों को कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाना था ना, पर ना भाई, हर जगह हम अमीरों की बराबरी करना चाहते हो, जाओ कहीं होटल लेकर अपने बच्चों को रखो। ये सुनकर मनोहर की आंखें भर आती है। तभी राकेश कहता है, ये क्या कह रही हो समिता, आज रात भर की तो बात है,
पूरे शहर में बारिश हो रही है, तुम बच्चों को सर्वेंट रूम में सुला दो। ऐसे भी ये लोग ऐसी ही जगहों पर रहने के आदि हैं। और अभी तो हमारी नौकरानी भी घर गई हुई है। मनोहर खामोश रहता है और चुपचाप अपने बच्चों को सर्वेंट रूम में ले जाकर जमीन में सुला देता है और वहां से चला जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है। सुबह होते ही बारिश थम जाती है और मनोहर अपने बच्चों को राकेश की सर्वेंट रूम से ले आता है। शुक्रिया राकेश भाई, जो आपने हमारे बच्चों को जगह दे दी। चल कोई नहीं, अब जा तू जल्दी यहाँ से, गरीब कहीं का। अभी हमारे घर में बड़े बड़े अफसर आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे गरीबों से मेरा कोई जान पहचान है ये कोई जाने। मनोहर चुपचाप वहाँ से आ जाता है। थोड़ी देर में मनोहर अपने काम पर चला जाता है। तभी बच्चे माधवी से रात वाली बात बताते हैं। माँ, आप लोग ने रात में कुछ खाया भी या नहीं? अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम गरीबों की रातें ऐसी ही गुजरती है। माँ, तुम्हें पता है राकेश अंकल ने बहुत बढ़िया बढ़िया खाना होटल से मंगवाया था। जो खाना उनका बच गया था वो हमारे दोस्त अव्या और अमीश ने हमें लाकर दे दिया था। हमें भी बहुत भूख लगी थी, इसलिए हम लोगों ने चुपचाप से वो खाना खा लिया। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। आपको पता है माँ, उन लोगों ने आइसक्रीम भी रात में खाई थी। हमें भी बहुत मन था, पर अमीश ने बताया कि आइसक्रीम खत्म हो गई है। और ऐसे भी समिता आंटी हम लोगों को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए अमीश और अव्या हमें चुपचाप से खाना लाकर दे रहे थे। और इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन राकेश के घर सरकारी अधिकारी आते हैं। राकेश जी, ये घर आपने सरकारी जमीन पर बनाया है, इसलिए आज रात तक आपको टाइम दिया जा रहा है। आप इस घर को खाली कर दें, वरना बुलडोजर चलाकर इसे तोड़ दिया जाएगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये मकान हमारा बहुत पुराना है, ये कैसे हो सकता है? राकेश जी, आपको पहले भी नोटिस दिया गया था, पर आपने अभी तक इसे खाली नहीं किया, इसलिए अब 24 घंटे का अल्टीमेटम आपको दिया जा रहा है। अधिकारी ये सब कहकर वहां से चला जाता है। राकेश और उसका पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। सारे गांव में ये बात धुएं की तरह फैल जाती है। सभी लोग राकेश और समिता का मजाक बना रहे थे, पर जैसे ही मनोहर को ये बात पता चलती है, वो और माधवी राकेश के घर पहुंच जाते हैं। राकेश भाई, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप हमारे घर चलें। जब तक आपका कोई इंतजाम नहीं होता है, आप बेफिक्र होकर हमारे घर पर रहें। उधर माधवी भी सबके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, समिता जी, आप लोग खाना खा लें, मैं आप सबके लिए खाना लेकर आई हूँ, और खाना खाकर आप लोग मेरे घर चलें। अरे समिता दीदी, इतने सालों से आप हमारी पड़ोसन हो और अब आपके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आई है, तो आप अब हमारे घर पर आकर रह सकती हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दुख में हम आपके काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? और हाँ, मैं बच्चों को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, वरना बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे। राकेश और समिता मनोहर और माधवी के पड़ोसी धर्म निभाते हुए देखकर बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनोहर भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आज तक मैंने अमीरी का चश्मा पहन रखा था और यही कारण है कि तुम और तुम्हारे परिवार की हम लोगों ने कभी कदर नहीं की, लेकिन आज हमारे बुरे समय में तुम लोग हमारे साथ मजबूत ढाल बनकर खड़े हुए हो, जबकि पूरा गांव हमसे दूरी बना चुके हैं। माधवी बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो, जब तुम्हारे ऊपर दुख आया था तब मैंने तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, आज हमारे दुख में तुम हमारे साथ खड़ी हो। भगवान ने मुझे मेरे बुरे कर्म की सजा दी है। और इस तरह समिता भी अपनी गलती को स्वीकार करती है। कुछ दिन वो माधवी के घर पर रुकते हैं और जब राकेश के घर का इंतजाम हो जाता है तो वो वहां से चले जाते हैं। मनोहर ने भी समय के साथ अपने घर को पक्का कर लिया था, अब उनकी बारिश भी दुख में नहीं रहती थी। दोस्तों, तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वक्त कभी किसी का अपना नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना धर्म कभी ना भूलें। पता नहीं किस कर्म का क्या फल मिल जाए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें।
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ऐसी ही कहानी देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी प्लीज़ फॉलो करें। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।